गाइज आज फिर हम बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा रिकमेंडेड टॉपिक के ऊपर। तो आज फिर हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि अपनी जॉ लाइन को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो। तो मेरी जो जॉ लाइन है वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, और जब मैं इंस्टाग्राम पे भी जो पिक्स वगैरह अपलोड करता हूँ तो जो लड़कियां ना वो देख के बोलते हैं भाई अपनी तरह जो जॉ लाइन है वो कैसे गेन करें वो आप बताओ, और जॉ लाइन को हम साफ कैसे कर सकते हैं, और जो चीजें जॉ लाइन है वो हम कैसे ला सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ, और मेरे पास काफी सारे ऐसे डीएम और काफी सारे कमेंट भी आते हैं। तो लो भाई वीडियो आ चुकी है, वीडियो को लास्ट देखते रहना। बाय द वे गाइस, इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज साहिल एंड आई एम हियर टू टीच अबाउट मेन फैशन ग्रूमिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो, और साथ में बेल आइकन है उस पर टैप करो, और अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो वहां पर आप जाकर देख सकते हो भाई कई सारी फोटोज जाके आप उसको लाइक उसको कमेंट कर सकते हो। तो हम इस तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार आजकल के जो लोग हैं ना वो काफी सारे मॉडल्स को देख के ना वो अपनी जो जॉ लाइन है वो शार्प करने की सोचते हैं, और जो मतलब शार्प जॉ लाइन होती है ना वो दिखने में काफी अच्छी लगती है, और ऐसे जो आपका फेस है ना वो काफी शेप्ड लगता है, और एक मतलब जो फेस कट है ना वो आपको काफी अच्छा लगता है, और अगर आपकी जो जॉ लाइन है वो शार्प है तो फिर आप इससे ना बहुत सारे जो लोग हैं ना वो अट्रैक्ट होते हैं, और आई थिंक लड़कियां भी अट्रैक्ट हो जाती है। तो आई थिंक अब आप ज्यादा सेंसिटिव हो अपनी जॉ लाइन को लेके। तो बेसिकली जो हमारे पास जो फर्स्ट टिप है वो है सेंटर फ्रूट। तो अभी अगर आपको शार्प जॉ लाइन चाहिए ना तो इसके लिए आपको सेंटर फ्रूट खानी काफी जरूरी है। सेंटर फ्रूट से क्या होता है कि अगर आप खाली टाइम पे अगर बैठे हो, अगर आप सेंटर फ्रूट वगैरह खाते हो, और जस्ट अगर आपका जो मुंह है ना वो चलता ही रहता है, तो इससे क्या होता है हमारी जो जॉ लाइन होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, और अपनी जॉ लाइन पे काफी फर्क पड़ता है। और यार ये वाला जो हिस्सा होता है ना यहाँ पर जो ये जो हिस्सा हो जाता है और वो काफी स्ट्रांग होता है, और इससे आपकी जो जॉ लाइन पूरी होती है ना वो काफी स्ट्रांग होती है। तो जस्ट अगर आप कभी ऐसे खाली वगैरह बैठे हो, अगर आपको कुछ मतलब खाने के लिए नहीं है ऐसे, तो जो सेंटर फ्रूट वगैरह ना वो खा सकते हो, और इससे आपके फेस की आपके माउथ की काफी अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है, जिससे आपकी जॉ लाइन है वो दिन पर दिन काफी शार्प होती जाती है। तो अगर आप खाली वगैरह बैठे रहते हो ना तो आप अपनी जॉ लाइन को स्ट्रांग करने के लिए सेंटर फ्रूट वगैरह खा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है वो है बियर्ड। अब यार अगर आपको अपनी जो जॉ लाइन है वो अगर शार्प दिखानी है तो आपको जो बियर्ड भी है ना उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर जैसे आपको बियर्ड में क्या करना है कि अगर आपकी जो बियर्ड है बहुत ज्यादा लंबी है और बहुत ज्यादा आपने घनी मतलब जंगल वगैरह उगा के रखा हुआ है, तो इसको आप बहुत ज्यादा ट्रिम करो, इसको आपको मतलब शार्प करना है, और अपने जो बियर्ड है ना उसको लाइन अप करके रखना है। जैसे यहाँ पर आपकी जो जॉ लाइन होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जॉ लाइन है, और अगर मैं जो अपनी बियर्ड है वो अगर जस्ट यहाँ से लाइन अप रखता हूँ, जैसे आप यहाँ पर से देख सकते हो, और मतलब वैसे तो अभी जो अपनी बियर्ड है वो मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, बट यहाँ पर आपको जस्ट क्या करना है कि अगर आपको जो जॉ लाइन है वो हाईलाइट करनी है तो आपको अपनी जो बियर्ड है ना उसको भी ऐसे लाइन अप रखना होगा, ताकि आपकी जो बियर्ड है ना वो ऐसे शेप में दिखाई दे और आपकी जो ये जॉ लाइन है वो हाईलाइट हो। तो जस्ट यहाँ पर मैटर ये है कि आपको जो अपनी बियर्ड है ना बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रखनी, और उसको ट्रिम्ड रखनी है, और हमेशा लाइन अप रखनी, जिससे आपकी जो जॉ लाइन है वो हाईलाइट हो। थर्ड हमारे पास है वो है लूज योर फैट। अब यार इसमें काफी सारे लोगों ना बहुत सवार होते हैं अपनी जॉ लाइन को शार्प करने का। अब इसमें कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि वो काफी फैट होते हैं, वो काफी मोटे से होते हैं। अब यार जब तक आप अपने पूरी बॉडी का फैट नहीं कम करोगे ना तब तक आपका जो फेस का फैट है वो बिल्कुल भी नहीं कम होने वाला। और कुछ बंदे ऐसे सोचते हैं भाई बॉडी अगर मोटी है तो मोटी रह जाए लेकिन जो हमारी जो जॉ लाइन है वो शार्प हो जाए, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आपको अपनी जॉ लाइन शार्प करनी है तो आपको जो फेस फैट है ना वो कम करना पड़ेगा, और फेस फैट कम करने के लिए आपको पूरी बॉडी का जो फैट है ना वो कम करना पड़ेगा। अगर आप मोटे वगैरह हो ना तो फिर अगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर आपको अपने आपको पतला बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो फेस फैट है वो कम होगा और आपकी जो जॉ लाइन है वो काफी शार्प हो पाएगी। फोर्थ हमारे पास है वो है डाइट। अब यार यहाँ पर आप डाइट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार हमको पतला होना है और सिर्फ आप इसमें जंक फूड खाते जा रहे हो, पिज्जा बर्गर वगैरह ठूसते जा रहे हो, तो भाई इससे आप बिल्कुल भी पतले नहीं हो पाओगे, और ये जो जंक फूड होता है ना वो आपकी स्किन के लिए बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। तो अगर आप जंक फूड वगैरह बहुत ज्यादा खाते हो तो इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, और जितनी मार्केट की ऑयली चीजें होती है वो सब अगर आप खाते हो तो इसको पूरा इग्नोर करो। इससे क्या होता है आपका जो फैट है ना वो काफी बढ़ता है, और प्लस इससे आपकी जो स्किन वगैरह वो भी अच्छी नहीं होती, और मतलब बहुत सारी ऐसी दिक्कत है ना वो आती है। और अगर आप जंक फूड वगैरह बहुत ज्यादा खाते हो तो इससे आपका जो फेस फैट है वो बिल्कुल भी कम नहीं होगा, वो और भी काफी इंक्रीज होगा, और आपकी जो जॉ लाइन है वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगी, वो शार्प नहीं होगी। जॉ लाइन शार्प करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो ऑयली फूड है ना वो खाना पूरा इग्नोर करना है, और प्लस इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा शुगर नहीं खाना आपको, नहीं तो इससे भी जो फैट है ना वो बढ़ता है और आपकी जो जॉ लाइन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। फिफ्थ एंड आखिरी हमारे पास है वो है जिम। अब यार आपको जिम करना काफी जरूरी है। अगर आप जिम करते हो ना तो क्या होता है, जब आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो जब आप वेट लिफ्टिंग करते हो ना तो हमारे जो टीथ में जो मोलर टीथ होते हैं उस पर प्रेशर पड़ता है, और जब उस पर प्रेशर पड़ेगा तो हमारे जो माउथ का एरिया वो काफी स्ट्रांग होता है, और बेसिकली हमारी जो जॉ लाइन होती है वो काफी स्ट्रांग होती रहती है। तो अगर आप जिम वगैरह करते हो, अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो आपकी जो जॉ लाइन है ना वो काफी शार्प होगी, और अगर आप अभी तक नहीं करते थे तो यार जिम करना स्टार्ट करो, वेट लिफ्टिंग करो, जिससे क्या होगा जो आपकी जॉ लाइन है ना वो काफी इंप्रूव होगी, वो काफी स्ट्रांग होगी। और यार आपने काफी सारे ऐसे मॉडल्स को फॉलो भी किया होगा जिनकी बॉडी वगैरह अच्छी खासी होती है ना, जो अपने मतलब मस्कुलर दिखते हैं, जो बंदे जिम में मेहनत करते हैं तो उनकी जो जॉ लाइन होती है ना वो काफी शार्प होती है, काफी स्ट्रांग होती है, और जो दिखने में काफी अच्छा लगता है। तो अगर आप अभी तक जिम नहीं करते तो यार जिम ज्वाइन कर लो, और जिम के बहुत सारे फायदे हैं।
और यार लास्ट में जाते जाते ना आपके लिए एक बोनस टिप है मेरे पास। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको अगर कम सोते ना तो इससे भी हमारा जो फेस फैट है ना वो इम्प्रूव होता है और हमारा मतलब फेस जो है ना वो काफी फूला फूला सा दिखने लग जाता है। तो आपको प्रॉपर नींद लेनी काफी जरूरी है और प्लस अगर आप अल्कोहल वगैरह लेते हो ना तो इससे हमारा जो फेस है ना वो काफी फूला फूला सा दिखता है और प्लस हमारी जो जॉलाइन है वो स्ट्रांग नहीं दिखती। तो ये भी जो गलती है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जस्ट अगर आप इतनी चीज फॉलो करते हो तो आपकी जो जॉलाइन है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी और आप नोटिस करोगे कुछ टाइम बाद आपकी जो जॉलाइन है वो काफी शार्प होती जा रही है। तो आई होप कि आपको जो बातें वो समझ में आई होगी और आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने के लिए मिला है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल का आइकन है उस पर टैप कर लेना और इंस्टाग्राम पे नहीं गए हो तो वहां पर आप जाकर देख सकते हो भाई की सारी फोटो जाकर आप लाइक करके कमेंट कर सकते हो। तो बस हम मिलेंगे दूसरे एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।